मेरे YouTube चैनल परिवार लोगों का फिर से अभिवादन है। कक्षा 12 हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक है वो है शुक्ल युग का, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए कि भारतेंदु जी ने क्या किया था, जो पूर्व भारतेंदु युग का गद्य था उसको इकट्ठा किया, एक रूप दिया और फिर सरल और रोचक भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास किया। भारतेंदु युग में निबंध और नाटक दोनों विधाएं आरंभ हुई थी। फिर भारतेंदु जी ने सामाजिक व्यवहारिक लौकिक तथ्यों पर, लौकिक मतलब जो दिखाई दे, लौकिक तथ्यों पर चर्चा की थी अपने निबंधों में, समाज से, राजनीति से, आर्थिक स्थिति से, धर्म से संबंधित। द्विवेदी युग ने जब महावीर प्रसाद जैसे विद्वान को हिंदी ने प्राप्त किया तो उस काल में निबंध आदि की रूपरेखा ही बदल गई, कुछ नई शैलियां आ गई, कुछ विचारपूर्ण ग्रंथ लिखे जाने लगे। प्रकृति का अथवा मनुष्य का धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से गहन अध्ययन करके लिखा जाने लगा। किंतु 1929 के पूर्व और 1922 के पश्चात, यानी कि जो आपका यह शुक्ल युग है, द्विवेदी युग के ठीक बाद कुछ विद्वान लोग शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1928 मानते हैं, किंतु इसमें मतभेद है। प्रमाणिक जो सर्वथा अभी तक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 1922 से 1929 तक के समय को ही शुक्ल युग कहा गया। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, प्रकृति को एक तरफ रखा, समाज संस्कृति और सभ्यता को एक तरफ रखा और उन दोनों पर अपने मन के भावों को प्रधानता दी, मन के विचारों को ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया, मन के भावों पर गहन विश्लेषण करते हुए निबंध लिखने की परंपरा का उदय शुक्ल युग में हुआ। इसको आप लिख सकते हैं, शुक्ल युग की एक विशेषता है कि मन के गहन विचारों को प्रस्तुत करने की भावना शुक्ल युग में आरंभ हुई, उत्पन्न हुई। इस युग में निबंध जो थे वह और भी अधिक विचारवान हो गए, और भी अधिक तार्किक हो गए, क्लिष्ट हो गए, कठिन भी हो गए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल के सर्वाधिक सबसे बड़े विद्वान भी हैं। इनके काल में दो निबंध, दो विधाएं और भी बढ़ गई। जैसे पूर्व काल में तो केवल गद्य लिखा ही जाता था, काव्यात्मकता वगैरह थी, फिर भारतेंदु जी ने निबंध और नाटक जैसी विधाओं को उत्पन्न किया, उपन्यास आया उसी युग में। फिर इन सब पर चर्चा हो ही रही थी, इसी बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना नाम की एक विधा को उत्पन्न कर दिया। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक जो हैं, आलोचक साहित्यकार वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना को आगे बढ़ाया, निबंध में अपने बदलाव किया है निबंध लेखन की शैलियों में, और फिर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना शुरू किया। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही गद्य साहित्य हो या काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख कर उन्होंने इसे प्रमाणिकता दी। क्या सबसे अधिक प्राचीन मिला है, क्या बाद में मिला, किसे ज़्यादा लोग मान रहे हैं, किसे कम लोग, इत्यादि इत्यादि को इन्होंने संकलित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसी युग में और भी कई लोग थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चाएं की, डॉक्टर नगेंद्र भी इसी काल के ही हुए हैं और ये दोनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक माने गए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल शुक्ल युग पर चर्चा करें हम लोग, तो इस काल में हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी तो हुए ही थे, इन्हीं के नाम से जाना गया। आपको मैंने कल बताया था कि शुक्ल युग के पूर्व द्विवेदी युग में ही प्रेमचंद का उदय हुआ था और द्विवेदी युग को भी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, किंतु द्विवेदी युग के साथ साथ शुक्ल युग को भी प्रेमचंद युग कहा जाता है। मूल रूप से यही प्रेमचंद का युग था, वो इसके पहले भी थे, इसके बाद में भी रहेंगे, लेकिन मुख्य यही था। इसके बाद इसको प्रसाद युग कहते हैं, क्योंकि इसी काल में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ।
जन्म होने का होता तो उन्होंने लिखना शुरू किया था, उनका जन्म विषय पूर्ण नहीं किया। प्रसाद हुआ और जयशंकर प्रसाद आदि जो कवि हुए इन्होंने क्या किया, प्रकृति आदि पर बहुत सूक्ष्म चित्रण किया, प्रकृति का मानवीकरण किया, इसी कारण इस काल को छायावाद कहा गया और इसी का एक नाम था छायावाद। तो शुक्लयुग के ये चार नाम हुए, शुक्लयुग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और छायावाद युग। इस काल में देखें सृजन शक्ति और अधिक विकसित हुई, लिखने की जो क्षमता थी लोगों की वो और अधिक विकास की ओर बढ़ गई। काल की जो कविताएं हुई, क्योंकि छायावाद वाले कवि ही हुए थे, इन्होंने नए नए अलंकारों का प्रयोग करना शुरू किया, जो पुराने समय में थे उनसे हट करके कुछ और नई शैलियां विकसित किया, लाक्षणिक भाषा थी उनकी, सांकेतिक भाषा है, मानवीकरण जैसे चीजों का प्रयोग किया, अलंकार को प्रधानता दी, प्रकृति को प्रधानता दी, नारी सद्भाव पर बल दिया और इस तरह से छायावाद में जो था वो उसकी अपनी एक नई विचारधारा कवियों की बन गई थी, इसीलिए छायावाद का नाम पड़ा था इस युग का। इस युग के प्रमुख लेखक जिन्होंने निबंध लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, प्रेमचंद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, महादेवी वर्मा थी, ठीक है। फिर इसी काल में रामधारी सिंह दिनकर जैसा प्रचंड विद्वान हुआ जिन्होंने गद्य भी लिखा और काव्य भी लिखा। दिनकर का हाई स्कूल में आपने पढ़ा था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और काव्य में आप इंटरमीडिएट में इसी में आप पढ़ेंगे उनकी उर्वशी, उनका कुरुक्षेत्र, उसे मैं स्वयं आपके साथ में लेकर आऊंगा। फिर इसी काल में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जैसे कवि भी इसी काल के देन हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी हरि, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी आदि के भी गद्यों के दर्शन इसी युग में हुए, अर्थात ये सभी गद्यकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों में आप नाम लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, पंडित रामचंद्र शुक्ल। समालोचना और इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल का सबसे अधिक योगदान था, जिन्होंने तुलसीदास तक की आलोचना लिख डाली है। इसके अतिरिक्त नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि भी इस युग के प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं। इतिहास लेखन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर नागेंद्र है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, लक्ष्मी सागर वार्षणेय और मोहन अवस्थी जैसे विद्वान भी हुए जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, इतिहास संबंधित रचनाएं की हैं। आपको मैंने जो पीडीएफ भेजा है हिंदी साहित्य का उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप हेडिंग वगैरह बनाकर जैसे शुक्लयुग, फिर इसके दो एक विशेषता, ठीक है, फिर इसके प्रमुख गद्यकार कौन कौन से थे और उन्होंने किस क्षेत्र में रचना की, इसको आप लोग स्वयं से लिखते रहिएगा। जो भी समस्या होगी उसी के लिए हम हैं यहाँ। फिलहाल आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अपने विद्यालय के अपने चैनल पर टेलीग्राम पर 535 छात्र वर्तमान के समय में जुड़ चुके हैं। ऐसे में हम लोगों का वीडियो अभी इंटरमीडिएट के अगर टोटल जो हाई स्कूल 11 और 12 के 550 के आसपास हैं उनमें क्या 200 बच्चे भी नहीं हैं इंटर के, और क्या यदि 200 हैं तो उनमें से 50% भी पढ़ना नहीं चाहते? आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं? अपनी छुट्टियों में हम लोग भी आपकी तरह घर में बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ घर से बाहर यहाँ रुक करके इस तरह से पढ़ाने के लिए मेहनत करना आपके लिए ही रुक कर। अब पता चलता है कि 3 दिन पहले का वीडियो 6-7 बच्चों ने पढ़ा है, उन्होंने फ़ोन किया, बता दिया, मैसेज किया, सर जी आ गया, नहीं आया तो कुछ पूछ लिया, अलावा किसी को परवाह ही नहीं। बाकी लोग तो देख रहे हो टेलीग्राम पर, देखा तो देखा कि आ गया सर जी का मैसेज, कोई बात ही ये सही नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए और कम से कम अपनी तरफ से आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसमें पढ़ने के लिए। खैर, तो इन सबके पश्चात ये प्रमुख साहित्यकारों के बाद शुक्ल जी के नाम से शुक्लयुग जाना जाता है, इसकी समय सीमा इतनी है। विभिन्न विधाएं जो हैं उनके लेखकों के नाम आपको चार्ट में मिल गया है, जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें से आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग शुक्लोत्तर, छायावादोत्तर या आधुनिक युग का नाम लेकर उसे पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे इतिहास का चौथा काल। अगर पूर्व भारतीय की बात करें तो पांचवा काल आता है, पांचवी युग आप लिख सकते हैं शुक्लोत्तर युग।
इसको छायावाद उत्तर और प्रगतिवाद आधुनिक विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसकी समय सीमा 1938 से आज तक इसमें निरंतर लेखन और काव्य गद्य सभी लिखते चले जा रहे हैं। इसके ये अलग अलग विभिन्न नाम है क्योंकि छायावाद के बाद है इसलिए छायावादोत्तर, जयशंकर प्रसाद के बाद है इसलिए प्रसादोत्तर, प्रगतिवाद है क्योंकि इस काल में अज्ञेय भी है जिन्होंने उपन्यास भी लिखा और काव्य में भी अज्ञेय का महत्वपूर्ण योगदान था, वो मुख्य रूप से कवि ही थे। इसके बाद आधुनिक इसलिए क्योंकि आज के समय में अधुना माने की आज होता है और अधुना शब्द से बना आधुनिक। देखिएगा सन 1938 के बाद लेखन की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित होकर के लोगों ने लिखना आरंभ कर दिया। अब लोग प्रकृति को, मन को, समाज को भूलकर राष्ट्रीय विचारधारा में प्रेरित हुए, चूंकि उस समय शुरुआत में क्या हुआ कि देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। 1937 की बात है, आज़ादी से 10 वर्ष पूर्व पूरे देश की जनता उतावली थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास होना तो स्वाभाविक था। इससे प्रेरित होकर कवियों ने लिखना, लेखकों ने लिखना शुरू किया, कवियों की कविताएं गए। छायावाद युग के अनेक साहित्यकार थे जो इस युग में थे, साहित्यकारों की आयु केवल 22 वर्ष 20 वर्ष की थी नहीं, वो तो इस युग में भी थे, उसके पहले भी थे, उसके भी पहले थे, शायद भारतीय युग से कोई ऐसा भी रहा हो जो शुक्लोत्तर तक जीवित रहे और लिखी हो, जैसे कि आपके प्रेमचंद जी कोई सभी तरह लिखते थे। खैर तो बात करें इस युग में, सन 1938 के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। शुक्लोत्तर प्रगतिवादी युग भी इसी को कहते हैं। इसमें सहज व्यवहारिक और अलंकारहीन शैली का प्रयोग किया गया। इस काल में आधुनिक काल में जो भी रचनाएं हुई चाहे गद्य की या काव्य की, इसमें अलंकार आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया, न कोई विशेष रस की भाव रखा गया। इसीलिए आधुनिक काल के प्राय कविताएं शांत रस में है, कुछ ही कवि हैं जिन्होंने रसों को प्रधानता दी, अलंकारों को प्रधानता दी, अन्यथा सब सिंपल साधारण रूप में लिखे गए। जैसे इस युग में रेखा चित्र, संस्मरण आदि, इसके बाद डायरी, रेडियो रूपक इत्यादि बहुत सी विधाओं का जन्म होता गया। भेंट वार्ता जैसा पत्र साहित्य को भी इसी काल में समेट कर रख दिया गया, मतलब कि जितनी भी विधाएं आगे आप पढ़ेंगे सब की सब इसी काल में जन्म लेती गई और बढ़ती आज भी बढ़ती जा रही है निरंतर, यहाँ तक कि जो आपकी रिपोर्ट है, आलेख जिसको आप कह सकते हैं, जो पेपरों में रिपोर्ट छपती है किसी घटना की, यह भी गद्य की एक विधा हो गई है आज के समय में, जिसके बारे में आपको रिपोर्ट के बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ाया जाएगा, किंतु CBSE वालों को इस पर बहुत विधेयक पढ़ाया जाता है। मैं स्वयं भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों की अगर कभी इच्छा हुई तो आपको मैं जरूर बताऊँगा कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट क्या होती है। फिलहाल आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सब हम लोग भेंट वार्ता वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए रेखाचित्र और संस्मरण के लेखक इस साल के जो किताब में आप ध्यान से देखिएगा, सभी विधाएं जो प्रमुख उत्पन्न हुई हैं और उनके जो जो लेखक हैं उन सबके नाम वगैरह दिए गए हैं, तो कुछ आप लोग उसको स्वयं से देखिएगा, मैं एक बार पढ़ करके आपको बता देता हूँ कि रेखाचित्र और संस्मरण में पद्मसिंह शर्मा, बनवासीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इन लोगों ने संस्मरण आदि लिए हैं। इसके बाद हिंदी में कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई, अर्थात आत्मकथा का लेखन भी इसी युग की थे, इसी युग में हुआ। इनमें अमृत राय द्वारा रचित कलम का सिपाही, ध्यान दीजिए अमृत राय जो है वो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की जीवनी को लिखा और उसी को कलम का सिपाही नाम दिया था। किताब का नाम है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। देखिए जब कोई अपनी कहानी को खुद से लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं, जब सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। इसी तरह तो ये जीवनी थी ये कलम का सिपाही। इसी प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम की एक जीवनी लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने
क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसके अतिरिक्त पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर के नाम से भी आत्मकथा लिखी अपने बारे में। तो ये सारी रचनाएं हैं। इसके बाद विज्ञान भी इसी युग में अधिक प्रगति कर रहा था, तो विज्ञान से संबंधित लेख भी लिखे जाने लगे, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जो आज के निबंध हैं, नाटक हैं। जैसे आप देखिए, जो पुराने नाटक थे वो सामाजिक अथवा राजनैतिक धरातल पर लिखे जाते थे। जैसे आप पुरानी फिल्में देखते हैं तो उसमें सबके लगभग प्राय एक जैसी कहानी। लेकिन आज क्या है, आज आप देखिए जो आपका सिनेमा जगत है ये भी आज के समय में साहित्य से जुड़ गया है। जो आपका भेंट वार्ता और रेडियो रूपक वगैरह लिखे जा रहे हैं इसी से संबंधित है, इसलिए कहना पड़ता है आज आप देखिए वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्मों में दिखाया जाने लगा है। किसी विद्वान की कहानी को उठा लेते हैं, किसी घटना सच्ची घटना पर आधारित कहानियों को उठा लिया जा रहा है। ऐसे ही आज के जो नाटक हो रहे हैं वो भी वास्तविक जीवन पर आधारित हैं। फिल्में भी एक तरह का नाटक ही है जो रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत किया। देखिए नाटक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नट शब्द से बना, नाटक में जो कला दिखाता है उसको नट कहते हैं। ठीक है, और नट का मतलब होता है अभिनेता। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से इस युग में विज्ञान पर आधारित नाटक कहानी और उपन्यास आदि लिखे जा रहे हैं। अब इस युग के उपन्यास के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है इस काल के जो यथार्थ की घटना पर। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत सुंदर उपन्यास है, आप कभी पढ़िएगा, कभी भारती का है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार आगे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी यशपाल और अमृतलाल नागर, ये इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं। किताब में आप देखिएगा सारे नाम आपको स्पष्ट मिलेंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्गे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी यशपाल और अमृतलाल नागर, ये आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। और आधुनिक युग के विख्यात उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा है। सूरज का सातवां घोड़ा एक ऐसी रचना है धर्मवीर भारती की जो प्रायः बोर्ड परीक्षा के जो 7 सेट पेपर के होते हैं हर किसी न किसी एक सेट में जरूर पूछ लिया जाता है, इसको आपको याद रखिएगा। इस युग में निबंधों के क्षेत्र में नई नई शैली का विकास हुआ। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधारों पर निबंधों की रचना होने लगी है। आधुनिक युग के जो निबंधकार हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम है डॉक्टर हजारे प्रसाद द्विवेदी का, जिनको आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। जैनेन्द्र कुमार है, आगे हैं विद्यानिवास मिश्र, रामरुच बेनीपुरी और फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनके बारे में आप गद्य का अपना पहला ही पाठ पढ़ेंगे समय आने पर। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा भी छायावाद की थी, छायावादोत्तर काल में गद्य रचना करती रही। हरिशंकर परसाई जैसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार इसी काल के लेखक हुए हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, अपने नोट्स तैयार रखिएगा। ये चार काल जो हमारे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्र और शुक्रोत्तर युग, इसके बारे में मैंने अब तक बता दिया है, कहीं कोई समस्या भी पूछिएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं बच गई। विधा क्या होती है? लिखने का तरीका, विधि शब्द से विधा बना। नाटक क्या है? विधा है। उपन्यास क्या है? एक विधा है। ये उपन्यास और नाटक दोनों विधाएं ही हैं, लेकिन अलग क्यों है? इन दोनों की सही पहचान क्या होगी? अलग अलग और भी बहुत सी विधाएं, उनकी पहचान, उनकी परिभाषा इत्यादि से संबंधित बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज इतना ही, विधाओं से संबंधित चर्चा कल करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपने सभी मित्रों तक चैनल को पहुँचाते रहिए जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।